दोस्तों ये है हमारे दूसरे चैनल का एडसेंस पिन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है टेक्निकल विद आशीष। अब ये हमारे दूसरे चैनल का एडसेंस पिन है और दूसरे चैनल का नाम है हमारा दोस्तों यूट्यूब किंग पासा भाई। ठीक है, तो हमारे दूसरे चैनल का ये एडसेंस पिन आ गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और आज के डेट में मैं अपने एडसेंस पिन का वेरीफाई करूंगा जिससे कि हमारे दूसरे चैनल पर भी अर्निंग होने लगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अर्निंग तो हो रही है और इसको जब फिल कर देंगे गूगल एडसेंस पिन, जब हम पैन कार्ड से वेरीफाई करते हैं तो 4 वीक के अंदर हमारे एड्रेस पे ये आता है 6 डिजिट का एडसेंस पिन। इसको जब हम फिल करते हैं तो हमारा एड्रेस वेरीफाई होता है। ठीक है, एड्रेस वेरीफाई होने के बाद दोस्तों हमको आपसे मिल जाता है कि बैंक अकाउंट लिंक करने का। जैसा कि दोस्तों जब अर्निंग हमारी होने लगती है तो पैन कार्ड से वेरीफाई करते हैं $4 से $8 हो जाने के बाद, फिर उसके बाद एड्रेस पिन वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा अर्निंग जो होता रहता है $100 के ऊपर हो जाता है जब, और इसको पिन वेरीफाई करने के बाद हमको एक ऑप्शन मिल जाता है बैंक अकाउंट लिंक करने का। उसमें हमको डालना पड़ता है दोस्तों कि बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ता है, स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है, हर बैंक का अलग अलग स्विफ्ट कोड होता है, और होता है दोस्तों कि IFSC कोड होता है और अकाउंट होल्डर नेम होता है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों जब जैसे कि गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई करने के बाद सब कुछ प्रोसेस करने के बाद हमारा जब अकाउंट लिंक हो जाता है तब हमारे अकाउंट में अर्निंग आने लगती है। कैसे आती है, जब हमारे यूट्यूब चैनल पर $100 कम्प्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे YT स्टूडियो से 11 तारीख को एडसेंस में अर्निंग ऐड हो जाती है, और 22 तारीख को, हर महीने के 22 तारीख को अगर आपके एडसेंस में $100 के ऊपर अर्निंग हो जाती है तो हमारे अकाउंट में यह 22 तारीख को रिलीज कर दिया जाता है और 8 से 10 दिन के अंदर हमारे अकाउंट में पेमेंट आ जाता है यूट्यूब का। तो दोस्तों ये हमारे दूसरे चैनल का एडसेंस पिन है। अब हम इसको फिल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कितने डिजिट का होता है। जैसा कि हमारे पहले चैनल का जो आया था दोस्तों वो 6 डिजिट का था। ठीक है, अब इसको हम इसको ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कैसे करना होता है। और आपको इसी वीडियो में मैं आइडेंटिटी वेरीफिकेशन तो करके दिखाया हूँ, पिछले वीडियो में आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करके दिखाया था, अब इस वीडियो में एड्रेस वेरिफिकेशन जो एडसेंस पिन है इसको कैसे वेरीफाई करेंगे और क्या कैसे होता है, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों मैं हूं आशीष कुमार कुशवाहा और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल विद आशीष में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो हो जाता है पर एड्रेस वेरिफिकेशन पिन को फिल कैसे करते हैं और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो कैसे कैसे किया जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो जैसा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो दोस्तों ये है हमारा गूगल एडसेंस पिन, अब हम इसको आपके सामने ओपन करेंगे और आपके सामने फिल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और इधर से भी इरेज कर देते हैं और इधर से भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सब आपको दिखेगा कि कैसे क्या करना है और इसको इरेज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दूसरे चैनल का है पासा भाई, यूट्यूब किंग पासा भाई चैनल का है। अब दोस्तों अब दोस्तों जो 6 अंक का डिजिट कोड मिलेगा इससे हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों ये जो 6 डिजिट का एडसेंस पिन है इससे एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो हो जाता है उसके बाद ही ये एडसेंस पिन आता है। जब पैन कार्ड से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं फिर उसके बाद 4 वीक के अंदर आपके एड्रेस पे डाक पर ये 31 55 21 ये आपका अलग एडसेंस एड्रेस वेरिफिकेशन पिन रहेगा, क्योंकि ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। अब दोस्तों इसको अपने मैं दूसरे चैनल पर इसको फिल करके आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दोस्तों आपको बैंक अकाउंट और स्विफ्ट कोड, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर नेम ये आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये एड्रेस पिन वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दोस्तों अभी हमारे पास जिस बैंक अकाउंट को डालूंगा उसका अभी हमारे पास स्विफ्ट कोड नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको एड्रेस वेरिफिकेशन पिन को फिल करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि आपका बैंक अकाउंट कैसे लिंक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आ गए हैं, अब हम अपना खोलते हैं गूगल एडसेंस। ठीक है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करेंगे और
अपना गूगल एडसेंस लॉगिन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा गूगल एडसेंस ओपन हो रहा है। इसके बाद यहाँ ऊपर राइट साइड कोने पे क्लिक करेंगे, टेक्निकल विथ आशीष, उसके बाद पासा भाई वाले का हमको फिल करना है, दूसरे चैनल का, तो पासा भाई वाले पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, 2-4 वीक टू अरेव, ठीक है, 11 फरवरी को हमारा ये आया था। वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया है। अब एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए ये 6 डिजिट का पिन आया है, एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 डिजिट का पिन आपको सामने डाल देते हैं। देखिए 31 55 21, ठीक है, 31 55 21। अब हम सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपके सामने ही ये हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन दोनों कंप्लीट हो गया।